नमस्कार, द केरला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस और मैं रिव्यू पे आऊंगा, पर उससे पहले आपको दिल से एक बात कहना चाहता हूं। ये मूवी ना देखने का गलती, पाप, क्राइम, बेवकूफी कतई मत करना मेरे भाइयों बहनों, कतई मत करना। इसका रीजन ये है, जब कोई लोग एक मूवी को बैन करना चाहते हैं, वो लोग जो इस मूवी के आने से तड़प रहे हैं, वो लोग जो इस मूवी को किसी भी तरह से पर्दे पे रिलीज नहीं होने देना चाहते, वो लोग जो इस संख्या में और इतने सारे अटेम्प्ट्स के साथ तीन बारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट जाते हैं, तो उनके मंसूबों को सक्सेसफुल मत होने देना। ऑनरेबल कोर्ट्स ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो फ्री स्पीच को जीवित रख दिया, उन्होंने तो कहा मूवी रिलीज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के बारे में सोचिए, आप लास्ट मिनट आ रहे हैं। और केरला हाईकोर्ट में तो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई जो मुझे लगता है सदियों तक फ्री स्पीच की डिस्कशन के लिए काम आएंगी। इतना भी पूछ लिया उन्होंने तो आईसिस के बारे में है, आईसिस को प्रॉब्लम होनी चाहिए, आईसिस आके ऑब्जेक्ट करे, आप लोग क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इतना भी उन्होंने कह दिया कि संविधान के अंदर माय गॉड एंड सेइंग माय गॉड इज द बेस्ट गॉड की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो हर पैरामीटर पे ये मूवी का जो सर्टिफिकेट है कोर्ट्स ने अपहोल्ड किया। अब आ जाते हैं जरा इस मूवी के रिव्यू पे, पर रिव्यू से पहले एक बारी तो सोचिए, लोग ब्लॉक क्यों करना चाहते थे, स्टोरी लाइन क्या है। अब काल्पनिक स्टोरियां बहुत चलती हैं कि अरे किसी का किसी से रोमांस हो गया, किसी का पाकिस्तानी स्पाइस भारत की मदद कर रहे हैं, ऐसी भी स्टोरियां आ जाती हैं, अमन की आशा वाली स्टोरियां आ जाती हैं। पर जब कोई और वर्जन आता है, जब कुछ सामने लोग लाते हैं, जब लोग कुछ सच्ची कहानियों पे सामने लाते हैं, तो इतनी बेचैनी क्या हो जाती है। अब केरला स्टोरी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, स्टोरी राइटर सबके हिसाब से स्टोरी क्या, स्टोरी है भारत की बेटियों की, भारत की बच्चियों की, भारत की डॉटर्स की, जहां पे वो एक इवल के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पे कन्वर्जन की जाती है, जहां पे सेक्सुअल ग्रूमिंग की जाती है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में कहा कि टेरर के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं मैंने बहुत बारी आपको बताया है कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन नक्सल्स, और टेरर के जो नए फॉर्म्स हैं दे आर मोर डेंजरस देन द टेरर के पुराने फॉर्म्स, क्योंकि उनके साथ तो नीति साफ है कि इसको रोकना है, अरेस्ट करना है, पर जो नए फॉर्म्स हैं वो ज्यादा डेंजरस हैं। अब एक सेक्सुअल ग्रूमिंग की बात तो लंदन में भी चलती है, ऋषि सोनक वहां के प्राइम मिनिस्टर बता चुके हैं। यूरोप कितना जूझ रहा है इससे, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसने पर्दा डाल दिया था। तो ये पर्दा हटाने के लिए बड़े पर्दे पे अगर मूवी आए, जिसके रिव्यू में एक उदाहरण दूं मैं, तरण आदर्श फुल बॉलीवुड के रिव्यू करने वाले हैं, कोई उनकी विचारधारा नहीं है, उनका प्रोफेशन है ना, वो लिखते हैं कि ये स्मैशिंग स्टार्ट करी है इस मूवी ने, आई ओपनर है इंडस्ट्री के लिए। पहले दिन का बॉक्स ऑफिस पाता हूं, पर उससे पहले कश्मीर फाइल्स याद कीजिए, छोटी सी रिलीज हुई थी, बेरली कुछ सिनेमाज मिले थे, पर आपने ऐसी सुनामी करी कि सिनेमा बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और 4000 सिनेमा हॉल्स तक आपने पहुंचा दी उस मूवी को। ये भी छोटे से शुरू हुई है, पर छोटे में भी इसका पहले दिन का बॉक्स ऑफिस 8.03 करोड़ है, जो कश्मीर फाइल से भी बढ़कर है। और ये 8 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस है, ये प्रोविजनल नंबर्स हैं, लेट नाइट नंबर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बाद में आते हैं। एडवांस बुकिंग की बात करें तो ये बंपर एडवांस बुकिंग लेके गई है, और ऐसे दिन नहीं आई,
ये उस दिन मूवी आई है जब कंपटीशन बहुत सख्त है, वो सलमान खान की भाई और जान और वो सब अभी चली रही है, वो लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं वो मूवी कितने दिन चलेगी। साथ ही साथ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी आई है। आजकल ये जो मार्वल की मूवीज है ये भी भारत में बहुत अच्छा करती है, पर आदा शर्मा स्टार ने इस सबको पीछे छोड़ दिया है। ये मूवी ने 5th हाईएस्ट ओपनिंग ले ली है। पर एक बात बोलूं, मैथ्स क्या होता है, व्यापार क्या होता है, कितने की मूवी बनी और उसने कितने का धंधा किया, दैट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब किसी का भाई, किसी की जान, किसी का पठान, किसी की पाकिस्तानी स्पाई, किसी की बिकनी, किसी का फॉरेन लोकेशन का बजट क्या है वर्सेस इस मूवी का बजट क्या है, अगर ईमानदारी की बात करें तो सक्सेस रेशो उन चीजों से निकलती है। तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से, मेरे वे ऑफ कैलकुलेशन से, तो ये देश में इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग स्टार्टर है। ये उन परिस्थितियों में जहां पे बहुत सिनेमा हॉल इसको नहीं मिले हैं, पर तब भी इसने 32,000 टिकट्स बिना ओपनिंग के मिडनाइट में रिलीज से पहले कर दी है। जो ऑडियंसेस हॉल देख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं इसके अंदर कि स्पाइन चिलिंग तो है ही है, पर उनकी आत्मा जो जुड़ गई है, उनको लग रहा है ऐसी मूवी पर्दे पे पहले क्यों नहीं आ रही थी, उनको लग रहा है इन विषयों पे डिस्कशन क्यों नहीं हो रही है, इन टॉपिक्स को पब्लिक स्पेस के अंदर डिस्कस करना चाहिए ना। कुछ उचित है, कुछ अनुचित है, कुछ परफेक्ट है, कुछ इम्परफेक्ट है, डिस्कशन ना हो डेमोक्रेसी के अंदर, ये चाहते थे। पर जब ये मूवी जेएनयू में शोकेस हुई तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स देखना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसे दुखती रग में करंट पड़ा है कि वो तो इस मूवी को कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बैन तो करवा नहीं पाए, क्योंकि कोर्ट्स स्टूड अप फॉर फ्री स्पीच, तो बैन तो करवा नहीं पा रहे हैं, तो वो ये मूवी बहुत रद्दी है, मत देखिए। एनडीटीवी का एक आया, हंस रहा हूं, क्यों, मालिक बदल जाए पर भैया मिजाज कैसे बदलेगा, मालिक बदल जाए पर सिस्टम कैसे बदलेगा। तो ये मूवी की तो उन्होंने जो रेटिंग कर दी वो तो ऑब्वियस ही बात है कि बिल्कुल मत देखना, आप पढ़ ही सकते हैं क्या क्या भाषा लिखी। पर जो लोग कुछ और रिव्यू कर रहे हैं और विचारधारा से बंधे नहीं हुए, वो थॉट प्रोवोकिंग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सॉलिड स्क्रीन प्ले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, ब्रेव डायरेक्शन है, वो कह रहे हैं कि करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है एक्ट्रेस ने, वो कह रहे हैं कि इमोशनल सीन्स आपको झिंझोड़ देते हैं, आपको रिलेट करवा पाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मूवी थी ये इतनी बंपर ओपनिंग ली है पर ये और आगे बढ़ेगी। ऑफकोर्स दूसरे लोग भी हैं जो देख के आए हैं, जो कह रहे हैं इस मूवी को सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हाँ भाई, पाकिस्तानी स्पाई बिकनियां पहन के आपके देश की मदद कर रही है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो तो रियलिटी है। ये जहां पे ये चर्चा आज से नहीं, बहुत देर से चल रही है, ग्लोबली चल रही है, पर वो प्रोपेगेंडा है। सही है, अपनी अपनी डेफिनेशन है प्रोपेगेंडा की, इसीलिए फ्री स्पीच है, आप देखिए या ना देखिए, अब जनता तो देख रही है। और एक बात मैं बता रहा हूं आपको, अंतिम बात कर रहा हूं, आप इससे सहमत होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर लेना। फ्री स्पीच और ऐसी कहानियां जो पर्दे पे आनी जरूरी है, वो तभी आएंगी जब आप सिर्फ अपनी मुंह खोल के बातें ना करें, आप उसको वॉलेट से सपोर्ट करें, बिकॉज सक्सेस breeds more success, because popularity of a topic breeds के और मूवियां बने इस टॉपिक के ऊपर, चाहे वो किसी भी जॉनरा की मूवियां हो। तो सिर्फ मुंह नहीं, वॉलेट से आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं जो हार्डली मूवीज जाता हूं, मैं अपने पूरे ऑफिस को लेके इस मूवी को देखने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है अगर आप एग्री करते हैं आप भी जाइए, जरूर देखिए। ये ना देखने का गलती कतई मत कीजिए। भारत माता की जय।